जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एनपीसी गुरुकुल पर। यहाँ पर आप जानते हैं यूपी पुलिस को लेकर के तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं और निरंतर विभिन्न विषयों पर वीडियो आती जा रही हैं। आज मैं आपके साथ, कल एक जीएस का सेट लाए थे, प्रैक्टिस सेट 2, आज मैं आपके लिए संविधान पर चर्चा करने आया हूं। और संविधान में भी जो विषय आज का चुना गया वो है संविधान की प्रस्तावना। मेरा आपसे दावा है, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। टॉप 50 प्रश्न, यानी कि 50 प्रश्न ऐसे लेकर के आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में देखे गए और गत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में भी आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपके साथ चलता हूं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए साथियों, पहला प्रश्न हमारे सामने है, ये कुछ हमारी जानकारी हो गई एनपीसी गुरुकुल। आज हम चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर, और जो पहला विषय है हमारा, पहला प्रश्न है वो ये है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का वह भाग, वह हिस्सा जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने संविधान की आत्मा कहा है, तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो सबसे पहला पेज है, वही संविधान की आत्मा है, उसको आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, संविधान निर्माताओं ने किस चीज पर, किस बात पर विशेष ध्यान दिया है, तो प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, या मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो सही बात है, प्रस्तावना। प्रस्तावना को बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ताकि प्रस्तावना से हमारे संविधान की जो आत्मा, उसको कहा गया इसलिए ताकि हमारा देश कैसा है, कैसा उसको बनाना है, हम सब मिलकर के बनाएंगे भारत के लोग, वो यहाँ पर दिखाई देता है प्रस्तावना में। प्रश्न 3 पर आ जाते हैं साथियों, प्रश्न 3 आपके सामने है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है आपने अगर देख रखी है, तो वो किन शब्दों से शुरू होती है, वो होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि भारत में रहने वाले नागरिक, हम सब मिलकर के भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत को कैसा देखना चाहते हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई प्रस्तावना में। सारे प्रश्न प्रस्तावना से लेकर के हैं, ताकि हम चाहते हैं प्रस्तावना से आने वाला प्रश्न आपका ना छूटे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया, गणतंत्र की क्या परिभाषा है, भारत को गणतंत्र कहने के पीछे क्या कारण है, ये यहां पर देख रहे हैं आप लोग। कह रहे हैं इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। कुछ सही लग सकता है, पर चारों विकल्प हमें अच्छे से पढ़ने हैं साथियों। यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहां राज्य का जो प्रमुख है, जो टॉप मोस्ट ऊपर जो पावर है, वो कुछ एक अवधि के लिए निर्धारित होता है, निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता, चुना जाता है कुछ समय के लिए। अगर यहीं पर, जैसे राजतंत्र का मतलब आप समझते हैं, एक राजा बन गया, उसके बाद उसका पुत्र राजा बन गया, इस तरीके के तंत्र को राजतंत्र कहते हैं। लेकिन जहां पर एक अवधि के बाद दोबारा से निर्वाचन होता है, दोबारा से निर्वाचित किया जाता है राजा को, ऐसी जगह को गणतंत्र कहते हैं। और निर्वाचन का पूरा दारोमदार किस पर है, आप पर, हम पर है, जनता पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 5 आपके सामने है, ये कहता है भारत एक है, भारत क्या है, प्रश्न 5 में देखेंगे भारत क्या है। तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं, इनमें से कोई नहीं, भारत है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि भारत जो है वो किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं करता, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता, किसी धर्म की जो है उसको बढ़ावा नहीं देता है, वो सिर्फ ये कहता है धर्म निरपेक्ष है, ऐसा राष्ट्र हमारा भारत है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि ये शुरू से था, यानी जब संविधान की जो संरचना बनाई गई, जब संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, या संविधान जब लागू हुआ 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तब से था या बाद में जुड़ा है, अगर जानना चाहते हैं तो अगले प्रश्नों पर मेरे साथ चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास है नंबर 6, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, एक धर्म को स्वीकार करती है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर क्या हो गया। अभी आपके सामने हमने कहा था कि जो राज्य है, राज्य की जो सरकार है, वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम सब लोग नागरिक हैं भारत के, भारत सर्वोपरि है, भारतीय होना गौरव की बात है, भारतीय होना गर्व की बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 7 आ जाता है,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? देखिए वही बात को घुमा के कहा गया है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत का जो प्रस्तावना है, भारत का जो संविधान है, वो किसी एक निश्चित धर्म को समर्थन नहीं देता है। वो ये कहता है सभी धर्म पूजनीय है, या वो ये कह सकता है कि कोई धर्म हम मानते ही नहीं है। जी सबसे ऊपर एक ही धर्म है, वो है भारतीय होना। भारतीयता एक सबसे बड़ा धर्म है, और सबसे ऊपर जो एक किताब है वो संविधान है, उसी से हमारा भारत चलने वाला है। आगे चलेंगे प्रश्न आठ की तरफ। प्रश्न आठ आपसे कहता है गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र होता है क्या? होता है इनमें से चुनेंगे आप। तो यहां गणतंत्र वो होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ध्यान दीजिएगा, नहीं होना चाहिए। वंशानुगत का मतलब है राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं ना चलेगा देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए भारत को, ऐसा प्रस्तावना में लिखा गया है। यहां पर अभी हमने प्रश्न भी देखा था, कुछ एक अवधि के बाद दोबारा से निर्वाचन होता है, और हम जो प्रमुख है हमारा जो राजा है उसको चुनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, प्रश्न 9 आ गया है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? 42वां संविधान संशोधन बड़ा संविधान संशोधन है, क्योंकि उद्देशिका में जो चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, उससे कौन सा जोड़ा गया? वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपसे अभी पिछले प्रश्न में हमने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो शुरू से जुड़ा हुआ है या बाद में जुड़ा, तो साथियों यह आ गया 42वां संशोधन। और यह 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। 42वां संशोधन 1976 में हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न हमारे सामने आ गया है, ये कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इस पर स्टार लगा देता हूं, मैं इस पर तारा बना देता हूं। तो कैसा है भारत? भारत की प्रस्तावना में क्या कहा गया? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये चार शब्द आपके मन में, आपके चित्त में यूं बस जाएं कि जैसे आपके चित्त में कोई और बसा हुआ है इस समय, हो सकता है बसा हुआ हो, नहीं भी हो सकता है। और अगर नहीं बसा हुआ तो मेरी बात मानिए, आप अपने सपने को, अपने लक्ष्य को अपने मन में बसाइए। आपका लक्ष्य अगर आपके पास है, आप कामयाब इंसान हैं, तो मन में आपको बसाने की जरूरत नहीं, लोग आपके मन में बस जाएंगे, लोग आपको मन में बसाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11 हो गया। 11 कहता है भारत एक गणराज्य है, सॉरी भारत एक, माफ कीजिएगा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? दोबारा से घुमा के वही बातें चल रही हैं, बस विकल्प को बदल दिया। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो बताएंगे क्या इसका अर्थ होने वाला है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। बिल्कुल प्रश्न जो है एक देख रहे हैं, ये ऐसे समझ लीजिए फोटोकॉपी थी, फोटोस्टेट थी उसकी। तो यहाँ वंशानुगत शासक नहीं होता, यहाँ एक निर्धारित समय के बाद निर्वाचन होता है, राजा चुना जाता है, राजा को हम चुनते हैं, अपने प्रधान को चुनते हैं। अगला प्रश्न आ गया 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? साथियों नहीं को जब भी देखें, नहीं को जब भी देखें गोला कर लें, नहीं के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं। सर जी ये तो मुमकिन नहीं है, पेपर के ऊपर कैसे चढ़? अरे मार्क कर लें, उसको रेखांकित कर लें, क्योंकि ये गलत करवाएगा ना। इसमें से कौन सा नहीं है साथियों? तो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण जैसा कोई शब्द प्रस्तावना में नहीं है, लोक कल्याण जैसा कोई भी शब्द प्रस्तावना में नहीं है। साथियों अगले प्रश्न पे, प्रश्न 13 आपके सामने, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बात तो सही लग रही है। कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, बात तो सही लग रही है। सभी नागरिकों को, 13वां प्रश्न पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे यहां पर सही उत्तर जो हमारा होगा साथियों वो बी होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, सही से देख लीजिएगा एक बार, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना सही इसका उत्तर हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं, 14 प्रश्न, 50 प्रश्न है, और मेरा दावा है आपसे और वादा है एनपीसी गुरुकुल का, ये 50 प्रश्न कर लीजिए। प्रस्तावना से अगर प्रश्न कट गया फिर तो कट ही गया, और क्या ध्यान से नहीं सुनी होगी वीडियो, गलती थोड़ी है हमारी। यहां देखिए अगला प्रश्न है 14 प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि इसको गणराज्य क्यों माना जाता है ये बताएंगे। तो राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि यहां राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है साथियों, ऊपर ही मिल गया है उत्तर हमारा, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, गणराज्य कहा, गणतंत्र कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है, कौन सा क्रम यहां पर सही है बताएंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, कौन पहले कौन बाद में आ रखा है, तो इसको देखेंगे। यह है सार्वभौम सत्ता संपन्न,
समाजवादी फिर आया है, फिर धर्मनिरपेक्ष आया है, फिर जनवादी गणतंत्र आया है। इसको ध्यान से देखेंगे, प्रश्न 15 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सभी शब्द हमारे पास हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, ये कैसे जो है इनका क्रम क्या है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, यहां से आप बना भी सकते हैं सा सा ध ज, ससाधज या ससधज, इस तरीके से आप अपने मन में इसको बिठाएं ताकि ये गलती ना हो। तो कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं। आगे चलेंगे प्रश्न 16 पे, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। सेकुलर, आप अभी जो है अगर आप देखते हैं खबर वगैरह देखते होंगे, डिबेट चलती रहती है, न्यूज चैनल पे चलती रहती है ना, तो वहां पर देखते हैं सेकुलर का अर्थ क्या है। तो सेकुलर का अर्थ जो संविधान हमें समझाना चाहता है वो क्या है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना, ये है सेकुलर का मतलब। सभी धर्म अपने अपने, जो सभी लोग हैं, सभी नागरिक हैं, वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म की उपासना करें, ये मतलब हुआ सेकुलर का, ये मीनिंग हुआ, ये अर्थ हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 17, बढ़िया प्रश्न है। देखें, शब्द धर्म निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही है। धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था, ये बात तो सही है ना, मानते हैं, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। पहला, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। बोलो भैया, सर जी बताए थे, वेरी गुड। यह 44 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, नहीं, ये तो संविधान संशोधन 42वां था, तो सही उत्तर क्या हो गया, पहला और तीसरा, मतलब कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी वाला जो विकल्प है, बा जो विकल्प है, वो सही उत्तर हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, 76 में 42 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 42 में संविधान संशोधन को और क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। 42 में संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं किन लोगों का कमेंट आता है। कल वीडियो पर एक बात बोले थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया है, एक कमेंट वहां पे आया, जानकर अच्छा लगा कि आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं वहां पर, और अपने आंसर्स को, अपनी जो बात है, वीडियो आपने पूरी देखी और आप अपने उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, इससे हौसला अफजाई होती है, टीम मोटिवेट होती है। हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज जो आपके एग्जाम, आपकी परीक्षा से संबंधित है, उसको निकालने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। अगला प्रश्न है 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, बताइए इससे क्या अर्थ निकला। तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इससे यह पता चलता है। हालांकि जिन लोगों ने बनाया संविधान, लेकिन वो क्या थे, वो चुने गए प्रतिनिधि थे, अपनी अपनी जगह से एक प्रतिनिधि को उठाया गया था, हर एक राज्य से, हर एक जो हमारा पहले छोटे छोटे वर्गों में बटा हुआ भारत था, वहां से प्रतिनिधि को उठा करके शामिल किया गया। तो लगभग जनता द्वारा बना संविधान, क्योंकि जनता ने चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजे थे कि आप जाइए, हमारी बात वहां तक पहुंचाइए। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ बताना है। प्रश्न 19 में हम देख रहे हैं समाजवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो यह है सामाजिक न्याय, राष्ट्र समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न 20 हो गया, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, इसको अंग्रेजी में क्या कहते रहे, अंग्रेजी में कहते रहे कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। जिस सूची में ऐसे विषय को रखा जाता है उन्हें कहते हैं कंकरेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची। इसको कहां से लिया गया, संविधान में जो ली गई वो कहां से ली गई है, साथियों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बहुत ही जबरदस्त बात हो गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ध्यान रखेंगे। बोलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथ चलेंगे। 21वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अभी तो देखे थे भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, यहां पर लौकिक सार्वभौमिकता है, ये शब्द आप ध्यान देंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से शुरू हो रही है, हम भारत के लोग। अभी इससे पहला प्रश्न आया था कि प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, अब उसने ये शब्द देके बात बदल दी। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना आप बिल्कुल रट जाएगी आपको, पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया, प्रस्तावना से प्रश्न नहीं हटने वाला है। 50 प्रश्न प्रस्तावना पे लाए हैं जो अब तक आए हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। वेरी गुड प्रश्न, किसका नहीं झलकता है प्रभाव, देखिए फ्रांसीसी क्रांति का भी झलकता है, अमेरिकी क्रांति का भी झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का भी झलकता है, बेल्जियम वाला, और चीन की क्रांति जो 1912 में आई, इसका कोई भी, इसका जो
अंश है वो यहां पर नहीं झलकता, उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता हमारे संविधान में साथियों, किसका, चीन की क्रांति का। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, उत्तर डी जो है, जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही हो गया है। आगे चलते हैं प्रश्न 24 पर साथियों, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार, अब ध्यान दीजिएगा, मूल भारतीय संविधान का मतलब आप समझ रहे हैं जब संशोधन ना हुआ हो। आहा, फंस गए देखो, तो धर्म निरपेक्ष वाले को लगाने वाले थे आप, तो पकड़े जाएंगे। मूल का मतलब यह हुआ कि जो संविधान जब बना था, जैसी स्थिति में था, संशोधन से पहले की बात कर रहा है, तो उसमें क्या था, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, ना कि धर्म निरपेक्ष वाला हो जाएगा। साथियों समझ में आया, साथियों प्यारा लगा प्रश्न, वीडियो को लाइक कर दें अगर प्रश्न प्यारा लगा है तो। आगे चल रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को अगर पसंद आ रही है। आगे चलते हैं प्रश्न 25 पर, वीडियो के मध्य में आ चुके हैं जो साथी, जो लोग हमारे साथ यहां तक चले आए हैं, जो भावी पुलिस बनने वाले, जो पुलिस कांस्टेबल बनने वाले जो हमारे साथी जो हमारे साथ चले आए हैं, वो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, बताइए कहां देख सकते हैं, प्रस्तावना में। अरे प्रस्तावना से पता चल जाता है भाई कैसा तुम्हारा संविधान है, कह रहे हैं हम भारत का लोग हैं, धर्म निरपेक्ष है, हालांकि वो बाद में जुड़ा है, है गणराज्य है, यानी कि यहां पर जो है सत्ता नहीं चलती, राजा का बेटा राजा बने ऐसा नहीं होता है, तो ये कहां से पता चल रहा है, प्रस्तावना से दिखता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 26वां प्रश्न, कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, पूरी बात कह दी भाई, कह रहे हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1976 में हुआ, द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। ओए होए होए होए, देखिए अगर नहीं आपने नहीं पढ़ा, नहीं आपने नहीं पढ़ा तो उत्तर क्या करा दोगे, धर्म निरपेक्ष, पर उसने नहीं, जिसने पढ़ लिया वो क्या उत्तर लगवाएगा, गुट निरपेक्ष, ये नहीं जुड़ा, बाकी सब जुड़ा, बाकी सब जुड़ा, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता, ये जुड़ा है, लेकिन कौन नहीं जुड़ा, गुट निरपेक्ष जो शब्द है ये नहीं जुड़ा है साथियों, कौन से संविधान संशोधन से, 42वां, कब हुआ, 1976 में हुआ। चलिए आगे चलते हैं बहुत तेजी के साथ, प्रश्न 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, क्या है सही है, तो सही आपको कथन बताना है प्रश्न 27 में। तो कह रहे हैं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं थे भैया, जे तो थे ही नहीं, जे नहीं थे, जे बाद में लगे हैं, समझ नहीं रहा बात को, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये ऊपर वाले जो शब्द हैं ये 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बात सही लग रही है, हाँ, उक्त शब्द 1985 में नहीं, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, बात गलत है। सही उत्तर क्या हो गया साथियों, बी, बी सही उत्तर हो गया। देखिए शुरुआत जो आपके साथ हमने की वो बिल्कुल हल्के प्रश्न से की, जो कि आप सभी दें, आप उनके उत्तर दें, आपको मजा आए, इंटरेस्ट आए। अब जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं वो जोड़ तोड़ वाले प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि वो कितना अंदर डेप्थ में जाकर के आपके साथ बात करता है साथियों, मैं इधर ही रहता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देता रहे। अगला प्रश्न है 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, बताइए भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो उन्होंने अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को, लोकतांत्रिक गणतंत्र को, गणतंत्र यानी कि जहां पर राजा निर्वाचित होता है एक निर्धारित समय के बाद, राजा का बेटा राजा नहीं होता है। आगे चलिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया, बताइए किस रूप में स्वीकारा गया, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, या उपयुक्त सभी। प्रश्न 29 को आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रश्न 29 में कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया, तो इसका उत्तर जो सही होने वाला है वो है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 30, 30वें प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में निहित है, जनता ही तो चुन रही है राजा, तो किसमें आई सत्ता, सत्ता किसमें फंस रही है, जनता में निहित हो गई है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न 31, कह रहे हैं भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, कहां पर किया गया है, संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए, ताकि वो छीण ना हो, प्रस्तावना में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है,
उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, यही हमारा सही उत्तर होगा। यानी इन तीनों में की गई है व्याख्या, इन तीनों में की गई है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। अधिकार हमें पहले मिले थे, कर्तव्य बाद में जोड़े गए। फंडामेंटल राइट्स पहले से मिले हुए, फंडामेंटल ड्यूटी बाद में जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आंसर वहीं से निकलेगा। आगे चलिए, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णता शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति विचार को कहां शामिल किया गया है? प्रस्तावना। अभी तो आप उत्तर दे पा रहे हैं प्रस्तावना, क्योंकि हमने कह दिया है कि वीडियो किस पे, प्रस्तावना पे ज्यादातर फोकस है। लेकिन यही प्रश्न जब आने लग जाएंगे आपके पेपर में तो आप घूमेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में किया गया है। ऐसे शब्दों को आप ध्यान रखें, अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णता शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? बोलो भाई, स्पष्ट क्या नहीं होता? साथियों, पुलिस वालों, बोलो क्या स्पष्ट नहीं होता, बताइए। तो स्पष्ट नहीं होता है संविधान को लागू करने की तिथि नहीं पता चलती, बाकी सब पता चलता है। संविधान का स्रोत, शासन के देहों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, लेकिन क्या चीज पता नहीं चलती, संविधान को लागू करने की तिथि का पता नहीं चलता। अगला प्रश्न है 35 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ध्यान दीजिए, संविधान किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सही उत्तर साथियों यहां क्या होने वाला है, देखें, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसको नहीं करता, बाकी सबको करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब करता है, बस नहीं करता तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। साथियों, अगला हमारा प्रश्न 36 सामने आ गया टीवी स्क्रीन पे दंदनाता हुआ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो आप देखेंगे यहां पर भारत और इंडिया उल्लिखित है। हालांकि इंडिया और भारत पर लेकर के अभी पीछे कुछ बातें भी चली थी कि भारत को प्रधानमंत्री जहां पर सम्मेलन में बैठे हुए थे उस सम्मेलन में भारत नाम की जो स्लिप थी वो रखी गई, इंडिया नाम की नहीं रखी गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बताएंगे तो ये स्वीकृत है भारत की जनता द्वारा, भारत की जनता स्वीकार करती है कि हाँ जी ये हमारा संविधान है, हम इसी से चलेंगे, इसी से देश चलेगा, इसी से देश बनेगा, आगे बढ़ेगा, परचम लहराएगा। तो पुलिस वालों अगला प्रश्न बताओ क्या है, 38 पुलिस वालों, भाभी पुलिस वालों, 38 प्रश्न, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, भारत की जनता में निहित है, ना प्रधानमंत्री में, ना राष्ट्रपति में, ना भारतीय संसद में, कहीं नहीं, जनता में है। अगला प्रश्न आ गया 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। यहां दो तरीके के प्रश्न आएंगे, कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया, याद रखिएगा दो बातें आएंगी। अंगीकृत पे पहले जवाब ले लो मेरे से, अंगीकृत का जो सही उत्तर है वो 26 नवंबर 1949। हालांकि पढ़ते पढ़ते बोल गए, क्या है, अंगीकृत करने की तिथि यह है और लागू करने की तिथि के चक्कर में आपने अभी अभी गणतंत्र दिवस मनाया है, वो लागू होने की तिथि है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इसी को अंगीकृत करना, इसी दिन तैयार होना, दोनों डेटे ही है, तैयार होना पूछे और अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? देखिए शब्द बदल रहे हैं, उत्तर यही रहने वाला है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अंगीकार, तैयार होना, 26 नवंबर 1949। साथियों आगे चलते हैं प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? मास्टर बोले थे अभी लागू पूछ रहा है वे, लागू पूछ रहा है, 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं न किए हो, अरे अभी गणतंत्र दिवस काहे मनाए थे बताइए, आप कल पुलिस वाले बनने वाले हैं, आपको अगर ये नहीं पता कि क्यों मनाया गया गणतंत्र दिवस तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। ये रहा साथियों गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस दिन मनाया गया और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते रहे, रिपब्लिक डे है। आगे चलिए, अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना? जब वो लागू हुआ संविधान, यानी कि 1950 को बना साथियों, देखिए
एग्जामिनर जो है ना, जो पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग को देखिए, वो आपकी साइकोलॉजी पकड़ रहा है। आपको लगेगा 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन नहीं साहब, ये उत्तर नहीं है साहब। नो 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 मीन्स नो। 1950, अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है साथियों? एक ही बार हो चुका है। ए बुड़बक बोले नहीं ना, कब हुआ? 42वां संशोधन हुए रहे, 42वां संशोधन हुए रहे, और कब हुए? 1976 को हुए बे, 1976 को हुए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया? अबे संशोधन ही एक हुआ है, प्रथम उर्थम का है, गुमान के लिए दे रहा है, समझ लीजिए ए बालक। प्रथम संशोधन कब किए रहे? 1976 में किए रहे, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इतना लाए हैं ना भर के प्रश्न एक ही बात पे, अब कब तक याद नहीं करोगे? कब तक नहीं होगा याद? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? इनमें से क्या उपलब्ध नहीं कराने का वायदा नहीं करती? भाई हम नहीं कराएंगे उपलब्ध, कोई वादा उदा नहीं है। और वो क्या है? पूजा की समानता, बाकी सब कुछ है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेस है कि नहीं है, विचार की, विचार को अव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो मिली, पर पूजा की समानता के बारे में संविधान गारंटी नहीं लेता है, कसम उसम नहीं खाइए। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं, पुलिस वालों इधर देखो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, कौन कौन से नहीं थे? जब आपने संविधान को अंगीकृत किया तो वही शब्द नहीं होंगे जो बाद में संशोधन से जुड़े हैं, और वो कौन कौन से हैं बताओगे मुझे जरा? देख तो, एक तो समाजवादी, एक तो पंथ निरपेक्ष, और एक अखंडता, ये तीन शब्द नहीं थे साथियों, और ऐसा विकल्प एक ही है, वो है पहला विकल्प। ये सब कब जोड़े गए? जब संशोधन हुआ साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास है 48वां, कहते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन, 48वां प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? अरे बताओ भाई कितनी बार कहेंगे अब, बोलो। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, एकदम मन में बैठ जाएगा ये प्रश्न जिसने अंत तक वीडियो देख ली है, यहां तक जो आ गया ना उसके दिमाग में छप गया 42वां संविधान संशोधन। कुछ नहीं पता रात को सपने में, कहे 42वां संविधान संशोधन हो रहा, 1976 चल रही है, अब 2024 नहीं चल रही है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों, वयस्क का मतलब होता है यानी कि जो मैच्योर होगा, एडल्ट की बात चल रही है, को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ये बताएंगे प्रस्तावना का कौन सा प्रावधान है, 48 में प्रश्न, 49 में प्रश्न की बात कर रहे हैं हम, यहां पर हम देखेंगे ये कौन सी चीज है जो इनको मतदान का अधिकार प्रदान करती है, मतदान यानी वोट डालने का। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र चलता है यहां पर। ये सभी चीजें तो हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं वोट डालने का अधिकार किस बात से मिला, तो वो है प्रजातंत्र की वजह से। आगे अगला प्रश्न हमारा 50वां है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्म निरपेक्ष जोड़े गए? अब तो रट गया होगा साथियों, अब तो रट गया होगा, यही तो करना है, यही करेंगे और वर्दी लेकर के आएंगे, आपका सपना वर्दी है, तो समझ लीजिए आपको लगना पड़ेगा दिन रात। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, यही प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। यहाँ थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ आपको, यहाँ पर YouTube पर दो चैनल NPC जो है रन करता है, NPC रिप्रेजेंट करता है, एक अकेडमिक के लिए, साथियों अकेडमिक बता देते हैं, अकेडमिक बोले तो यहाँ पर तीसरी कक्षा से लेकर के, थर्ड क्लास से लेकर के बारहवीं तक के लिए, आप जानते हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मिले, कुछ साथी ऐसे हैं जिनके छोटे भाई बहन या रिश्तेदार ऐसे हैं कि भैया बालक जो है थोड़ा सा एकदम रिविजन ले ले, या कुछ ऐसे भी होंगे हमारे साथी के भैया पास ही करा दो मास्टर साहब, तो ये वाला चैनल फटाक से जा करके इसको एकदम से समझ लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, गारंटी है कि पास हो जाएंगे। मैराथन तगड़ा तगड़ा चल रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, एकदम पेपर का डिटेल सॉल्यूशन चल रहा है, चैनल ले लीजिए। ये चैनल जिस पर हम आपसे अभी मिले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम NPC गुरुकुल के लिए, साथियों लगातार निरंतर लगे हुए हैं, आपको बेहतर देना चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये चीज बढ़िया से हो जाए, तो इस समय आप दुनिया के सभी रिश्ते नाते छोड़ दिए जाएं, कोई मौसा फूफा फूफी सबको भूल जाइए, इस समय एक ही तारीख याद रहनी चाहिए, वो है 17 और 18 फरवरी, एक ही लक्ष्य याद रहना चाहिए, वो है वर्दी, तभी ये काम संभव हो सकता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूंगा, जय हिंद।